हाय गर्ल्स, दिस इज मी सुखप्रीत एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कॉर टिप्स। आज की वीडियो में मैंने क्रिएट किया है पंजाबी गर्ल का ट्रेडिशनल लुक विथ मेकअप। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको कर लीजिए सब्सक्राइब और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि आप मेरे फ्यूचर वीडियोस को बिल्कुल मिस ना कर सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कैसे अचीव किया है मैंने ये मेकअप लुक, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा जरूर देखें। फर्स्ट स्टेप, अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइजर टू योर स्किन। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ करोनो करे का एंटी पल्यूट फेस स्प्रे। फाउंडेशन के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का सिल्की फ्लोरिना फाउंडेशन। मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इस फाउंडेशन को एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स करके अप्लाई करती हूँ। कंसीलर के लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ ओलिविया की पैन स्टिक। इसका टेक्सचर थोड़ा सा ऑयली है, स्टिल ये 6-7 घंटे तक लास्ट कर जाती है अगर इसको बेकिंग करके सेट किया जाए। और मेरी स्किन ड्राई है तो मेरी स्किन के ऊपर ये बहुत ही बेटर रिजल्ट देती है। आई शेडो उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेरा ADS का बाम जोवीज रॉकस्टार पैलेट। इसका ये बिल्कुल लाइट शेड जो है, इसको मैं अपने ओवरऑल पूरी आईलिड के ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ एक बिग फ्लफी ब्रश की मदद से। सेम पैलेट में से मैं ले रही हूँ डार्क ब्राउन कलर, जिसको मैं अपने आउटर कॉर्नर ऑफ द आई पे प्लेस करूंगी और फिर स्लोली इनवर डायरेक्शन में ब्लेंड करूंगी। इसको मैं एज अ ट्रांजिशन कलर यूज कर रही हूँ। ध्यान रखिए, ट्रांजिशन कलर के लिए हमेशा आप मैट कलर्स ही चूज करें। मैं अपने अंडर आईज को बेक करने के लिए लैक्मे रोज पाउडर अपने अंडर आई एरिया, ब्रिज ऑफ द नोज और फोरहेड और चिन के ऊपर हल्का सा अप्लाई करूंगी, जहां पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स। आईलिड कलर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का आई शेडो इन द शेड नंबर 603। इसमें से मैं ये जो कॉपर ब्राउन कलर है, इसको फ्लफी ब्रश के साथ अपनी आईलिड के ऊपर प्लेस करूंगी अपनी क्रीज लाइन के नीचे नीचे। ये जो आई शेडोज हैं, ये इनके कलर्स काफी अच्छे हैं, हाईली पिगमेंटेड हैं, लेकिन ये इनको ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत इजिली ब्लेंड नहीं होते हैं, सो यू हैव टू वर्क लिटिल हार्डर विद देम। सेम आई शेडो को मैं सेम ब्रश की मदद से अपने लोअर लैश लाइन पे भी प्लेस कर रही हूँ। आईलाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ बेला वोस्टे का स्केच आईलाइनर। दिस वर्क्स वेरी वेल अगर आप समर्स में भी इस तरह का मेकअप कर रहे हैं तो। ये स्वेट प्रूफ भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, मेल्टडाउन भी नहीं होता और वेरी इजी टू यूज है बिगनर्स के लिए। अगर आपको विंग्स आईलाइनर क्रिएट करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको स्केच आईलाइनर के साथ ट्राई करना चाहिए। दे आर वेरी बिगनर फ्रेंडली एंड वेरी वेरी कन्वीनियंट टू यूज। मैं बहुत ज्यादा बड़ा आईलाइनर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मेरी आई शेप के अकॉर्डिंग जितना मैं स्मॉल लगाऊंगी आईलाइनर उतना ही ब्यूटीफुल दिखेगा। पंजाबी गर्ल्स के लिए काजल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई एम वॉज मिसिंग, आई वॉन्टेड टू यूज सुरमा बट आई कुडंट गेट इट, सो इसके लिए मैं यहाँ पे फिलहाल यूज कर रही हूँ प्लम का लॉन्ग लास्टिंग काजल। लैशेस को और ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ मिस क्लेयर का क्लियर मस्कारा। इसकी एक कोट अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरा ब्यूटी बिग बैंग का वॉल्यूमिनेशियस मस्कारा। ये एक ही कोट में लैशेस को बहुत ही ब्यूटीफुल और अमेजिंग लिफ्ट देता है। ब्राउज के लिए मैं यूज कर रही हूँ पाउडर मैट ब्लैक आई शेडो। मुझे ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको पाउडर फॉर्म के साथ ट्राई करना चाहिए, इट्स वेरी इजी टू यूज, जस्ट अप्लाई इट विद एन एंगुलर ब्रश। सेम मेरे ADS पैलेट में से मैं ये व्हाइट कलर लेके अपने लोअर ब्राउ बोन को हाईलाइट करूंगी हल्का सा। कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ मीनाओ का कॉन्टोर पैलेट। ये बिगनर फ्रेंडली पैलेट है, अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्टोरिंग को ट्राई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इस पैलेट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आज का ये जो मेकअप लुक मैं क्रिएट कर रही हूँ, अ पंजाबी गर्ल और अ पंजाबी वुमेन मेकअप लुक, आप इसको पंजाबी फंक्शंस में कर सकते हैं, जैसे कि वेडिंग फंक्शंस में, जागो के फंक्शन में।
ब्लशर के लिए मैं यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का डायमंड ब्लश ऑन इन द शेड नंबर 503। दिस इज अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल पीची कलर। गर्मियों में अगर आप ये मेकअप लुक करने वाले हो इस तरह का, या आपने बहुत ही ब्राइट ड्रेस पहनी है या लाइट कलर की ड्रेस पहनी है, तो कोरल कलर जो है वो समर्स के लिए इंडियन स्किन टोन के ऊपर सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है। सो गो फॉर द कोरल कलर्स एंड ऑरेंजी शेड। और मैं बहुत ही स्लाइट सा फेस करने वाली हूँ बिकॉज दिस इज वेरी हाईली पिगमेंटेड। हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ सिवाना कलर्स का हाइलाइटर इन द शेड 03। मैंने सारे कलर्स को स्वर्ल किया और उसको मैंने एक बिग फैन ब्रश की मदद से अप्लाई किया है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स जानना चाहते हैं कि किस तरह से मेकअप करते हैं, मेरी उसके ऊपर एक फुल डिटेल वीडियो है इन विच आई हैव एक्सप्लेन ऑल द डिटेल स्टेप ऑफ मेकअप। यू गाइस शुड गो एंड चेक दैट वीडियो ऑल्सो। लिप्स के लिए पहले मैं लिप्स को लाइन कर रही हूँ, एंड आई ऑलवेज से लिप्स को लाइन जरूर करें, स्पेशली समर्स में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपकी लिपस्टिक को ब्लीड नहीं होने देता, आपकी लिपस्टिक जो है वो फैलती बिल्कुल भी नहीं है, एंड इट मेक्स योर लिपस्टिक लास्ट लॉन्गर। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज की है लैक्मे एंड रिच क्रीमी मैट लिपस्टिक इन द शेड OM11। ये एक ब्यूटीफुल बर्नट ऑरेंज कलर है। अगर आप एक ऑरेंज लिपस्टिक ढूंढ रही हो, दिस वर्क्स वेरी वेल फॉर इंडियन स्किन टोन। आई एम जस्ट हाईलाइटिंग अ लिटिल इनर कॉर्नर्स ऑफ माय आईज। सेट योर फुल फेस बाय यूजिंग मेबेलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, और यू कैन यूज एनी कॉम्पैक्ट और लूज पाउडर ऑल्सो टू सेट योर मेकअप। और लुक इज कम्प्लीट। लास्ट में फुल मेकअप को पाउडर के साथ सेट जरूर करें। एंड दिस इज माई फिनिश्ड लुक गर्ल्स। मैंने अपने बालों में परांदी पहनी है, ट्रेडिशनल पंजाबी वुमेन वेयर परांदी, और उसके साथ साथ मैंने पहने हैं बड़े बड़े पत्रा वर्क के इयर रिंग्स। आई होप मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।